साइबर सिटी के पोश सेक्टर 40 इलाके में इनोवा गाड़ी में रक्त रंजित लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मृतक की पहचान 28 वर्षीय दिनेश के तौर पर हुई, जिसने पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन सेक्टर 40 में बीती रात लगभग 12:30 बजे सूचना मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो इस संबंध में पुलिस द्वारा मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। जो गाड़ी इनोवा के अंदर दिनेश, जो हाउस नंबर 58 सेक्टर 10 गुरुग्राम का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी, जो 28 साल उम्र है, डेड बॉडी थी। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेवार गुरप्रीत सिंह साउथ सिटी 1 में जो रहता है उसको जिम्मेवार ठहराया है, और इनका 50 लाख रुपए का लेन देन जो है वो ज्ञात हुआ है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, और इसके जो परिजन हैं, जो इसके पेरेंट्स हैं, उनके पहुंचने के उपरांत इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। क्या था, जुआ से रिलेटेड कोई मामला था, जुआ खेलता था या खिलवाता था, ऐसा कुछ मामला? ये सारी चीज़ें जो एक उनके पेरेंट्स आ जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन और जो इसमें इंक्वायरी और जांच हो